देशभक्त चैनल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं सोनीपत के बस स्टैंड पर, जहां पर बसेस जो दिल्ली जाती थी, अब उनको सवारियों को भी फ़ायदा होने वाला है और हरियाणा रोडवेज को भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम बता दें कि किसान आंदोलन के चलते पिछले एक साल से हाईवे बंद था, बॉर्डर बंद थे, बॉर्डर कल से खुल गया है, जिसके कारण अब जो है सवारियों को भी पैसे कम देने पड़ेंगे और इसके अलावा टाइम भी उनको कम दिल्ली जाने में कम लगेगा। और इसके कारण जो है हरियाणा रोडवेज को भी वित्तीय नुकसान हो रहा था, अब जो है रोडवेज रोड खुलने के कारण उनको भी वित्तीय लाभ भी होगा। इसके अलावा जो है 3 से 4 घंटे जो अप डाउन में लगते थे, अब वो नहीं लगेंगे, क्योंकि अब पहले एक राउंड दिल्ली का हरियाणा सोनीपत डिपो की बस लगाती थी, अब जो है 2 राउंड दिल्ली के हरियाणा सोनीपत रोडवेज लगा पाएगी। और इसके अलावा जो है जो चंडीगढ़ से बसें आती थी वह सोनीपत में उन्हें रोक दिया जाता था, लेकिन अब जो है जो चंडीगढ़ से जो बस आएंगी वो दिल्ली तक जा पाएंगी। देश अब तक चैनल से रविंद्र वर्मा की रिपोर्ट।